6-7 महीने तो अब जेल में रहना पड़ेगा। ये क्या है, शर्त इस बात की लग रही है कि 250 सीट आएंगी कि नहीं आएंगी। कर्म करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना कर्म के फल नहीं मिलेगा। आज शर्त इस बात की नहीं लग रही देश के अंदर कि 400 सीट आएंगी, शर्त इस बात की लग रही है कि 250 सीट आएंगी कि नहीं आएंगी। ये क्या है, ये चमत्कार है, ये ऊपर वाले की कृपा है, ये हनुमान जी की कृपा है, ये भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता के अंदर उन्होंने आश्वासन दिया है पूरी कायनात को, ये उसका प्रकटीकरण है। ये आपको पता नहीं चलेगा लेकिन कुछ हो रहा है चारों तरफ। मेरे को जब गिरफ्तार किया मुझे लग रहा था 6-7 महीने तो अब जेल में रहना पड़ेगा। मैं उसके लिए मानसिक तौर पे तैयार था, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं बीच में वापस लौट के आऊंगा। चमत्कार हो गया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो एक तरह से ऐसे लग रहा कि प्रभु ने कोई चमत्कार किया है। और अभी मैं परसों जब एक रोड शो में गया तो एक रोड शो में एक महिला जोर से चिल्लाई, बोली जी भगवान ने भेजा है आपको बीजेपी को हराने के लिए, 20 दिन के लिए, 21 दिन की जो जमानत मिली है ये भगवान ने भेजा है। तो प्रभु अपनी तरीके से लीला करता है, लेकिन लीला भी वो तभी करता है जब आप कर्म करते हो। ये मत सोच लेना भगवान लीला कर रहा है पापा। कर्म करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना कर्म के फल नहीं मिलेगा। फल उसके हाथ में है, लेकिन वो भी ये देखता है कि कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ये लोग। कर्म तो करना पड़ेगा।